शिक्षा मंत्री के आवास का एसटीईटी अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा विज्ञापन को लेकर ये घेराव किया गया था। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तो सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्रक्रिया चालू करने को लेकर घेराव किया था, जिसके बाद जो आवास है वहां से पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हटा दिया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई, जहां शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का एसटीईटी अभ्यर्थियों ने वहां पर जाकर घेराव किया। यहां पे बैठ गए थे क्यों सर? फिर से उनका जवाब आया जल्द, और हम लोग पता नहीं ये जल्द का मतलब होता क्या है। अंदर अभी मिलने गए थे ना आप? हाँ, वो भाई वो सर लोग आ चुके हैं बाहर, वो लोगों को भी आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द, पता नहीं इनका जल्द कब खत्म होगा, शायद आज एक बार फिर आश्वासन मिला। एक बार फिर से आश्वासन मिला है जल्द, बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब तो हम लोग अभी तक समझ में नहीं आया कि जल्द कितना। देखिए, बहुत जल्द एक बार फिर से आश्वासन मिला है इन अभ्यर्थियों को, लेकिन समय नहीं पता चला है कि कब तक इन लोगों की बहाली होगी। ये देखिए नजारा, ये रोड पे बैठ गए हैं, ये अब नौबत आ गई है कि ये लोग अब रोड पे बैठ गए हैं, क्योंकि लगातार ये लोग मांग कर करके थक चुके हैं, और थक हार के अब लोग ये शिक्षा मंत्री के ठीक आवास के बाहर बैठ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। अच्छा, अंदर मिलने गए थे, क्या बात हुआ? सिर्फ आश्वासन मिलता है कि जल्द हो जाएगा, 3 साल से जल्द जल्द, कब जल्द आएगा जो भगवान जाने की कब जल्द आएगा। तो अब यहीं पे बैठे रहिए, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मारेगा तो सुरक्षा कर्मी अभी जैसे तो ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, तो मर जाएंगे, ऐसे खुद थोड़े जिंदा है, ऐसे तो मर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं, मरते हैं। हम लोग का आश्वासन ऐसा 3 साल से मिला, शिक्षा मंत्री से बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, सब झूठा आश्वासन, उनको गलत होगा। मात्र 83-86 सीट में मात्र 3500 स्टूडेंट पास किए हैं, फिर बहाली नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें नहीं मार रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बहाली नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश के बाद अनदेखी कर रहे हैं बार बार। तो देखिए एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के द्वारा इन अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है, लेकिन समय नहीं बताया है कि कब तक इनकी बहाली होगी, लिहाजा ये लोग थक हार के अब मंत्री जी के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। क्या आश्वासन से ही उन्हें रोजगार मिल जाएगा? और आश्वासन अगर हर साल देते रहेंगे तो साल बीतता जा रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से अभ्यर्थियों ने कहा है कि ऐसे भी वो मर रहे हैं, अगर वहां से उन्हें मारकर भगा भी दिया जाता है तो कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ा सवाल उठता है शिक्षा विभाग पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आखिर इतनी चढ़ाई हुई क्यों है? क्यों परीक्षा लिए जाते हैं और उसके बाद रोजगार नहीं दिया जाता, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है? एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द सरकार को देना चाहिए, और जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं उनके लिए उन्हें जल्द से जल्द व्यवस्था भी करनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।